नमस्कार दोस्तों, आज हम PWD की एक और साइट पे हैं जो कि हरिद्वार में मायापुरी स्कैप चैनल गंगा नदी पर दक्षदीप एवं बैरागी कैंप को जोड़ने हेतु डबल लेन सेतु का निर्माण कार्य चल रहा है जो कि PWD द्वारा करवाया जा रहा है। ये ब्रिज भी लगभग 60 मीटर लंबा है और इसमें भी दो अपार्टमेंट हैं। ये जो अपार्टमेंट आप देख रहे हैं 8 मीटर ढाई का है और इसकी जो वॉल का थिकनेस है वो है 1 मीटर और इसकी जो सिंकिंग होनी है विद कैप 14 मीटर होनी है। एक अपार्टमेंट इस पार है और एक अपार्टमेंट उस पार है और यहाँ पे हमने 335 P&H क्रेन लगाई है और 2.3 टन की ग्रैप लगाई हुई है। बोल्डर में सिंकिंग काफ़ी मुश्किल होती है क्योंकि इसमें काफ़ी मोटे बोल्डर आ रहे हैं। मैं आपको अभी बोल्डर भी दिखाता हूँ कैसे आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़े बोल्डर आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े बड़े बोल्डरों का यहाँ पे ढेर लगा हुआ है। ये जस्ट शमशान घाट के बैक साइड में पुल बन रहा है कुंभ मेला 2021 के लिए। PWD द्वारा निर्माण कार्य चल रहा है इसका। PNS 335 क्रेन लगाई है यहाँ पे। लगभग जो सिंक होना है इसकी डेप्थ जाएगी 14 मीटर विद कैप जाएगी जैसा कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया। और बड़े बोल्डर होने के कारण काफ़ी टफ हो रही है सिंकिंग यहाँ पे। अगर ग्रेवल होते हैं तो सिंकिंग थोड़ा इजी होती और काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रही है ये सिंकिंग और टाइम भी लग रहा है। आप देख सकते हैं ग्रैप जिसका वज़न मैंने आपको पहले भी बताया। बोल्डर में जो माल आता है वो बहुत कम होता है और जो साइट पे लगे हैं वो बिहार के सिंकर हैं। बड़े बोल्डर के कारण ही ये काम स्लो हो रहा है क्योंकि इसमें ग्रेवल होता तो ये काम बहुत जल्दी होता है। इसमें इतने बड़े बड़े बोल्डर आ रहे हैं, दो आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े बोल्डर आ रहे हैं। ये देखिए 50-50 किलो के बोल्डर आ रहे हैं, 50-50 किलो के बोल्डर। और बोल्डर के कारण ही ये काम लेट होए जा रहा है। अभी भी इस कुएं को काफ़ी सिंक होना है।